माननीय सभापति जी, थैंक यू वेरी मच फॉर परमिटिंग मी टू स्पीक ऑन सच एन इम्पोर्टेंट रेजोल्यूशन एंड बिल। बहुत डिस्कस हुआ इतिहास के बारे में, गलतियों के बारे में, बट आई विल स्टिल से नजीर अहमद लावे ने बैरूनी हाथ का जिक्र किया एंड ही इज वेरी राइट अबाउट इट। वो बैरूनी हाथ कैसे पनपा, आई विल से कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं इतिहास के पन्न होने, कुछ ऐसे भी दौर देखे हैं तारीख के पन्न होने। लम्हों ने खता की तो सदियों ने सजा पाई। अब जो सदियां सजा पा रही हैं उन खताओं की, उनका थोड़ा जिक्र तो जरूर होगा। डॉक्टर संजय सिंह ने भी कहा कि सिंध में मुस्लिम लीग की हुकूमत भी थी और हिंदू महासभा के भी थे मंत्री। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, पंजाब जिसको पाकिस्तान असल कहा जाता है, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी या जमींदार लीग की हुकूमत थी और सर छोटूराम उसके एक अहम मंत्री होते थे, सिकंदर हयात खां टिवाणा और खिजर हयात खां टिवाणा चाचा भतीजा थे। उस पार्टी ने वेमेंटली पार्टीशन को अपोज किया था, मगर उस वक्त की ताकतें प्रिवेल कर गई। प्रिवेल ही नहीं, उन्होंने इतनी बेइज्जती महसूस की कि वो डायरेक्ट जहाज में बैठ के लंदन चले गए, लाहौर गए ही नहीं। अब वो गलतियां किसकी थी? हालात ये हैं कि दो, एक ही मुल्क के दो हिस्से, यानी असली हिंदुस्तान तो वर्ड सिंध से हिंद आया है, वो काफी हिस्सा पाकिस्तान में ही है। और मैं तो कहता हूं कि जो जिसका नाम हिंदुस्तान और आर्यावर्त और सब सिंधु पड़ा था, वो तो उधर ही है। और हमारी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ थी, हम तो अखंड भारत वाले लोग थे। यहां तक ही नहीं, हम तो जो कम्युनल डिवाइड जिसको कहते हैं, हम कहते हैं वो तो चेंज्ड पूजा पद्धति के हमारे ही हिंदू भाई हैं। ये हालात कैसे पैदा हुए? हालात पैदा हो गए कि जो पंजाब पार्टीशन नहीं चाहता था, खान अब्दुल गफ्फार खां, सरदी गांधी ने तो यहां तक कहा था कि आप लोगों ने मुझे धोखा दिया, मगर पाकिस्तान बनने से एक ऐसी पॉलिटिसाइज्ड मिलिट्री के हाथ में शैम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप चली गई, जिसका खमियाजा पूरे बर्रे सगीर, पूरे हिंदुस्तानी महाद्वीप को भुगतना पड़ रहा है, और उसका बहुत कम जिक्र हुआ। यानी हम एक्सटेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट्स रूल, रिजर्वेशन का मैं सपोर्ट करता हूं, और प्रेसिडेंट्स रूल मैं कहता हूं ऐसे सर्कमस्टांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। 9 दफा ये लगा है, 6-6 साल भी रहा है। अब तो हम वादा कर रहे हैं, रादर इलेक्शन कमीशन वादा कर रहा है कि अक्टूबर तक इलेक्शन करा के एक चुनी हुई हुकूमत के हाथ में सत्ता जाएगी। मगर एक बात मैं पूरे हिंदुस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि इसके तार मिलिट्री हेडक्वार्टर रावलपिंडी से खींचते हैं, और ये एक समाधान ऐसा है जो एनिमी पे भी डिपेंड करता है। पुलवामा हमने नहीं कराया, पुलवामा के तार कहीं और से खींचे थे, हमने तो बालाकोट मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के प्रति। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे बालाकोट था, वो हमारी मजबूरी थी। इसी तरह से जीरो टॉलरेंस हमारी रहेगी। साइमल्टेनियसली मैं ध्यान दिलाऊंगा पूरे देश का कि पाकिस्तान में भी तारिक फतेह, हसन निसार जैसी कुछ ऐसी ताकतें हैं। एक इंटेलेक्चुअल दौर आया है खासकर नए लड़कों में कि फौज के खिलाफ डिस्कशन शुरू हुई और खुले तौर से लोग बोल रहे हैं कि हम पोरस और जाहिर की औलाद हैं, कासिम की औलाद नहीं है। बांग्लादेश ने तो बड़े इत्मीनान से कहा, शेख मुजीबुर रहमान ने, कि हम कृष्ण और राम की औलाद हैं।
मैं ये दरखास्त करूंगा आजाद साहब थ्रू दी सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा आई कॉम्प्लीमेंट यू आल्सो कि आपने जिक्र किया था कि भाई हम भी हिंदू थे, हमारे पूर्वज थे और हम हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और पीडीपी के मेरे दोस्तों ने भी हिंदुस्तान की बात की, तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस रेजोल्यूशन का सपोर्ट करता हूं और साथ में मैं कहता हूं कि हीलिंग टच, आज डॉक्टर्स डे है, हीलिंग टच सेवाएं देके, मेडिकल कैंप्स देके, बाढ़ में मदद करके, क्योंकि मेरे बच्चे बाढ़ में मदद करने गए थे कश्मीर में, वो हमारा ऑन है मामला। और मैं लास्ट में कहूंगा कि तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट के आएगा, लाला देव ललिता दित्य और बड़शाह जी को अमित शाह जी धोराएंगे, नरेंद्र मोदी धोराएंगे। जय हिंद।